सो गाइज एक बार मैं फिर से वीडियो लेकर के आ गया हूँ बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रियलिटी शो के बारे में, जिसमें हर एक चीज बहुत ही ज्यादा रियल होता है, भले से वो किसी जज का रोना हो या भले वो किसी जज का मतलब शायरी हो। शायरी तो ऐसी होती जो सीधा एथे वार करता है भाई। और जिस जज के बारे में बात कर रहा हूँ उनके भाई बहन के बारे में क्या बोलूं, लेकिन अगर मैं बहन की बात कर रहा हूँ तो सोनू कक्कड़ शी इज डैम गुड मैन। उनकी आवाज ये कसूर मेरा है, मतलब इट वॉज मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फॉर मी। लेकिन ये क्या है यार, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं, नहीं होना चाहिए था ऐसा। देखो सबसे पहली बात करना चाहता हूँ हमारे हिमेश रेशमिया के बारे में, जो कि आज तक किसी भी शो में कभी भी किसी को भी जज किए हैं तो उन्होंने ये लाइन तो बोला ही बोला है कि तुम्हारे पास भगवान की दीवी शक्ति है, तुम कुछ ऐसा गाते हो जो सीधा भगवान को जाके छूता है। जब ऐसा है तो एलिमिनेट क्यों हो जाते हैं यार। यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, बट आई एम वेरी सॉरी अगर कहीं पे बीच में रोस्टिंग घुस जाता है, तो पता नहीं आज मूड थोड़ा रोस्टर जैसा लग रहा है। लेकिन देखो मैं बात कर रहा हूँ सीरियसली, कि जहाँ पे सवाई भट्ट को पूरी इंडिया पसंद कर रही थी, पूरी इंडिया उनकी गायकी की दीवानी हो रही थी, कोई भी क्रिटिसिज्म को साइड में रख करके मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जहाँ पे जनता का प्यार भर भर के मिल रहा था सवाई भट्ट को, उस सवाई भट्ट को क्यों अचानक से शो से बाहर निकाल दिया गया? और क्या ये भरपाई उतनी काबिले तारीफ हो सकती है कि अगर वो शो जीत जाता तो? वैसे अगर शो जीतने की बात करो तो भाई इंडियन आइडल जीतने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं इंडस्ट्री में और दिखते नहीं है, जबकि जो शो हार जाते हैं वो कुछ करते हैं। तो अभी इतना तो श्योर है कि सवाई भट्ट कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि वो शो जीत नहीं रहे हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है ट्विटर पे ये सारी चीज कि भाई सवाई भट्ट को वापस लेकर के आओ। लेकिन इस बीच में जो है एचआर ने एक नया पोस्टर लाया है, जिसमें वो अपने पुराने वाले फोटो के साथ में सवाई भट्ट के फोटो को जोड़ दिए हैं और वो उसको पोस्टर कह रहे हैं। और ये पोस्टर रिलीज होने के बाद सवाई भट्ट के फैंस तो खुश है, लेकिन एचआर से सभी लोग नाराज है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बात अगर म्यूजिक की हो रही है तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप म्यूजिक सुनने के दीवाने हो और आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो आपके लिए पेश है बोट रॉकर्स। अगर ये हेडफोन के बारे में आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप भाई बहुत पीछे हो, क्योंकि बोट का ये हेडफोन जो है बहुत ही किफायती है और साथ ही साथ आपको जो बीट एंड बेस दे करके जाता है म्यूजिक के साथ में वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। ये हेडफोन आपके कान के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है और बहुत ही लाइट वेटेड है। इसको पहन करके आप गेम खेलो, म्यूजिक सुनो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई भी कॉन्टेंट देख रहे हो, आपको पूरी थिएटर वाली फीलिंग आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ लाइव आपके सामने में चल रहा हो। एंड मैं खुद इसे पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं और इसकी परफॉर्मेंस आज भी दमदार है। इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए या फिर परफॉर्मेंस की, दोनों ही बहुत ही दमदार है। सो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक, आपको बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट के साथ में खरीदने को मिलेगा। सो डोंट वेट, गो एंड ग्रैब इट। तो ये सारी बातें तो सवाई भट्ट के बारे में थी, लेकिन पवनदीप राजन, पवनदीप राजन की अगर लास्ट गाने की बात की जाए, जो कि भाई तेरे बगैर कहा जा रहा है, लेकिन यार पता नहीं क्यों उसको जितनी बार मैं सुन रहा हूँ वो पवनदीप राजन की आवाज नहीं लग रही है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर एग्री नहीं करते हो तो वो भी यार रीजन के साथ में जरूर बताना। व्हाट्स योर टेक अबाउट द इंडियन आइडल 2021 एंड व्हाट डू यू थिंक कि कौन जीतने वाला है इस साल इंडियन आइडल? वैसे जहां तक मैं देख रहा हूं पब्लिसिटी की बात की जाए या फिर बहुत ही ज्यादा अप फ्रंट में लाके रखने की बात की जाए, तो वो पवनदीप राजन है, जो कि ऑलरेडी एक शो के विनर रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जजेस ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, माय गॉड व्हाट अ वॉइस मैन, व्हाट अ वॉइस। इस तरह के एक्टिंग कर कैसे लेते हैं? ये लोग सिंगर से बेटर जो है ना एक्टर है। बॉलीवुड के उन सभी बड़े बड़े स्टार को हटाओ और इनके ऊपर में कुछ फिल्म वगैरह बनाओ यार, फाड़ डालेंगे। अब वो बात अलग है कि अपने हिमेश भाई अपना कुछ उखाड़ नहीं पाए, जाने दो। ठीक है, जो भी है जैसा भी है। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइन ऑन एंड अस्ता ला विस्ता।